ब्लॉकबस्टर फिल्म भी नहीं बचा पाई शिल्पा शेट्टी की बहन का करियर फ्लॉप होने के पीछे ये रही वजह। फिल्म इंडस्ट्री में बुरा तब होता है जब आपको खुद के नाम से नहीं बल्कि किसी करीबी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे लोगों की यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें एक नाम शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता का भी है। शमिता शेट्टी को बॉलीवुड में एक अरसा हो गया, लेकिन वो यहाँ अभिनेत्री न होकर शिल्पा शेट्टी की बहन बनकर रह गई। ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें से अपना करियर शुरू करने वाली शमिता आज 41 साल की हो गई है। मेंगलुरु में पैदा हुई शमिता शेट्टी ने अपनी पढ़ाई सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल से की। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज का रुख किया। यहां से उन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही एक कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। शमिता देश के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के यहाँ इंटर्नशिप कर रही थी। एक दिन मनीष ने उनसे कहा कि तुम में एक्टिंग का स्पार्क है, तुम वहाँ कोशिश करो। मोहब्बतें के लिए 2001 में शमिता ने आईफा बेस्ड डेब्यू एक्टर फीमेल का अवार्ड जीता था। इसी साल उनका गाना शरारा शरारा आया। रातों रातों शमिता स्टार बन गई। साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म जहर में शमिता के काम को बहुत पसंद किया गया। फिल्मों के साथ शमिता इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना नाम कमाया। उन्होंने मुंबई में रॉयल्टी नाम का क्लब डिजाइन किया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में उनके द्वारा डिजाइन किए गए लॉसेस पार्क के लिए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया। फिल्मों में शमिता का करियर नीचे जाने लगा तो उन्होंने टीवी का तरफ रुख किया। बिग बॉस, झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो करने के बाद भी शमिता बॉलीवुड में दूर होती गई। हिंदी फिल्मों में बात नहीं बनी तो शमिता ने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। अपनी फ्लॉप बॉलीवुड करियर पर शमिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने डेब्यू के बाद उन्होंने गलत फिल्मों को साइन किया। इसके लिए वह अभी तक अफसोस करती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें अपने करियर के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए था।